रैशनल नंबर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म में मेरे को लिखना है, प्रैक्टिस से 2.1 में से थर्ड क्वेश्चन है। तो मैं पहले क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 0.6 बार लिखूँगा। इसका मतलब बार बार आता है ये, देखो x इज इक्वल टू 0.6666 बार बार आता है। तो अभी इस मेरे को क्या करना है, देखो इसको मैं तो नंबर एक लिखूँगा, x इज इक्वल टू 0.6 बार लिखा, उसके बाद x इज इक्वल टू इसका मतलब 0.666 डबल 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 आता है। अभी x और ये को मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। जो पॉइंट के बाद अगर दो नंबर के ऊपर लाइन होते, यहाँ दो नंबर के ऊपर लाइन है तो मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर तीन नंबर है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, अभी ये दो बाजू में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 10 x 10x, यहाँ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता है तो एक पॉइंट आगे जाता है, 6.666 आता है। ओके, डॉट 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 आता है, इसका मतलब क्या, 10x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसको पॉइंट के ऊपर मैं लाइन दिया और इसे मैं नंबर 2 कहा। अभी क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है, 10x में से x को माइनस करना है, सॉरी लाइट गई थी बीच में। अभी क्या करना है, 10x में से x को माइनस करना है और 6.6 में से 0.6 को माइनस करना है। देखो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार करेंगे। अभी जब ये माइनस करेंगे तब क्या होता है, देखो यहाँ ये 10 में से x गए 9x बच गए, 10 में से x गए, 10x में से x गए 9x इज इक्वल टू ये 6 बार कैंसिल, तो मेरे पास ओनली 6 बच गए। तो x इज इक्वल टू 6 अपने जगह पे 9 मल्टीप्लाई यहाँ आया डिवाइडेड बाय, तो x इज इक्वल टू 9 और 6 3 के टेबल में आते, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू 2/3 मेरे पास आंसर आया। मैं फिर से ये बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 0.6 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.6, अगर 7 होता 0 पॉइंट तो मैं 0.7 लिखता, जो नंबर है वो। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.66666, इसका ये अर्थ होता है। अभी मैं दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों 10 से, बिकॉज पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया एक पॉइंट आगे गया, 6.6 रह गया। ओके, फिर आगे क्या होगा, देखो 10x अपने जगह पे 6.666 है, इसलिए मैंने क्या लिखा, 6 पॉइंट, ये 6 का रिपीटेशन है तो 6 बार लिखा। अभी क्या होगा, 2 में से 1 माइनस बोले तो 10x में से x माइनस करने का, 6.6 बार में से 0.6 माइनस करने का, 10x में से x गया 9x और 6 में से ये 6 बार तो कैंसिल है, तो 6 में से 0 गया, 6 रह गया। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, 9 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, ओके तो 6/9, 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3, इसका मतलब 0.6 का वैल्यू 2/3 है। यहाँ भी देखो सेम, x इज इक्वल टू 0.37 बार है, इसको मैं नंबर 1 कहूँगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.37 डॉट डॉट डॉट। अभी मेरे को देखो, मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ क्या है मेरे पास, 100 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ दो नंबर है पॉइंट के बाद, इसलिए मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, 100 से यहाँ मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, तो इज इक्वल टू 100x, 100x से मल्टीप्लाई किया तो 37.37 37 37, बिकॉज मेरा पॉइंट दो आगे सरक गए, दो पॉइंट मेरे क्या हो गए। तो अभी आगे क्या होगा, यहाँ देखो 100 से दोनों साइड में मैं मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तो हमने दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया है, आपको मालूम है, देखो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x और यहाँ क्या हो गए, दो पॉइंट आगे गए, तो 37.37 37 37 हो गए। तो इसका मतलब 100x इज इक्वल टू 37.37 बार ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 37 बहुत बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं क्या कहूँगा, दो नंबर कहूँगा। अभी 2 में से 1 को मैं माइनस करूँगा, 2 में से 1 को, तो इसका मतलब 100x में से ये x को माइनस करूँगा और 37.37 में से मैं क्या करूँगा, ये 0.37 बार को माइनस करूँगा, तो अभी ये 37 बार कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास 100x में से x गए 99x बचे गए और 37 में से 0 गया 37 हो गया। x का वैल्यू निकालना, x इज इक्वल टू 37 अपने जगह पे 99 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके,